मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोत ध्वजा मंगलम पुंडरी गाक्षाय मंगलाय तरो हरि। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। प्रथम आगमन में रीवा के हमारे मोहन भैया जो युगल जोड़ी के रूप में आज राम लक्ष्मण की जोड़ी कहें तो यह अतिशयोक्त नहीं होगी, जो बिंद की धरा के विकास के लिए बहुत सी बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे बिंद की धरा की ऊर्जा पूरे विश्व में दिखाई दे, पूरे अयोध्या धाम में पहुंचे, कि यहाँ की दैवी सत्ता सूक्ष्म सकता अयोध्या राम के लला जी के माँ सीता जी के इस भूमि की ऊर्जा वहाँ से प्रस्फुटित हो और पूरे भारत में दिखने लगे। इस ऊर्जा का हम तहे हृदय से भारत माँ की गोद का स्वागत करते हैं, मोहन भैया का स्वागत करते हैं। विशेष मांग तो कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार से ही संस्कृत का गौरव बढ़ा है और अभी हाल ही में अपने लक्ष्मण बाग संस्थान में रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे हम काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आशा करते हैं कि पूर्व मंत्री हमारे मामा जी ने जो भी घोषणाएं की थी उसको ये पूरा करेंगे और जो एक क्या फुक्षी संगठन का फंफार था उसमें चार चांद लगा देंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो जब तक हम जड़ में नहीं पहुंचेंगे तो ये समस्या खत्म नहीं होगी। पहली बार रीवा आ रहे हैं तो कुछ न कुछ रीवा के लिए नई विकास के लिए नई श्रेणा के लिए युवा स्रोत दें। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज प्रदेश के नवनिर्वाचित मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का रीवा का प्रथम दौरा होने वाला है और इस अवसर पर रीवा में आभार यात्रा हो रही है, जिस आभार यात्रा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर उपस्थित लोगों से, यहाँ पर उपस्थित जनसमुदाय से आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नवीन मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षाएँ हैं, क्या उम्मीदें हैं और चूँकि रीवा के गोदामाद भी हैं तो इससे क्या महत्व बढ़ जाता है, इस चीज़ को लेकर के हम बातचीत करेंगे। आज आभार यात्रा यहाँ पर चल रही है जी, हाँ सभी लोग आ जाएं। आज आभार यात्रा यहाँ पर चल रही है और नव निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ये प्रथम रीवा दौरा है, तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या अपेक्षाएं हैं नवीन मुख्यमंत्री जी? हमारी तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं, नया वर्ष मंगलमय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोत ध्वजा मंगलम पुंडरी गाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जैसे हमारे भगवान अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि स्थापना हो रही है और इसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व में उत्साह का माहौल है, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए धन हो सकता है, इसी हम मस्त है बिल्कुल। आज की यात्रा के बारे में, जो ये आभार यात्रा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निकाली जा रही है, प्रथम रीवा का आगमन हो रहा है तो उस पर क्या कहेंगे? सब लोग बहुत प्रसन्न हैं प्रथम आगमन पर और विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है इसके उपलक्ष्य में यह प्रथम बार मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा रीवा में, सब हर्षोल्लासित हैं और बहुत प्रसन्नता है कि सरकार बनने से और इन मुख्यमंत्री यादव जी होने से। जी, आपका परिचय भी बता दीजिए। हमारा डॉक्टर बुद्धिमान प्रसाद द्विवेदी है, हम संस्कृत कॉलेज से हैं। हम लोग उन्हीं के स्वागत के लिए वेद मंत्र पाठ करने के लिए आए हुए हैं और सभी महाविद्यालय के छात्र भी। जैसे रीवा के लिए इस बार दोहरी उपलब्धि मिली है, उप मुख्यमंत्री महोदय भी रीवा से हैं और मुख्यमंत्री महोदय भी रीवा के दामाद हैं जी, जी। तो इससे रीवा को क्या महत्व बढ़ रहा है और रीवा के विकास को कैसे पंख लगने वाले हैं? बोलिए भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, गायत्री माता की, अयोध्या धाम की, हमारे बिंद की पावन धरा की, हमारे श्री इस बिंद की पावन धरा में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन हो रहा है, हम सब बड़े हर्ष उल्लास के साथ धन्य है हमारे बिंद की पावन धरा। ऐसे हमारे विकास पुरुष जो माननीय श्री विकास पुरुष के रूप में राजन शुक्ला जी का आज हमारे उप मुख्यमंत्री पद पर होने के साथ साथ आज भारत सरकार द्वारा आज ये जो प्रथम आगमन में रीवा के हमारे मोहन भैया जो युगल जोड़ी के रूप में आज राम लक्ष्मण की जोड़ी कहें तो यह अतिशयोक्त नहीं होगी, जो बिंद की धरा के विकास के लिए बहुत सी बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं, ऐसे बिंद की धरा के नायक के, ऐसे बिंद की धरा के भूमि की और विकास पुरुष के हमारे राजन भैया की हम सब तहे दिल से हृदय से स्वागत करते हैं कि ऐसे सरकार
बना करके हमारे देश की छवि पूरे विश्व स्तर तक दिखाएं और बिंद की ऊर्जा पूरे भारत में फैलाएं। इसके साथ हमारे सभी युवा भाइयों के लिए हार्दिक अभिनंदन। युवा भारत, विकासशील भारत, विकसित भारत, इसी के साथ मैं गायत्री परिवार से अनिल मिश्रा आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे बिंद की धरा की ऊर्जा पूरे विश्व में दिखाई दे, पूरे अयोध्या धाम में पहुंचे कि यहाँ की दैवी सत्ता, सूक्ष्म सत्ता अयोध्या राम के, लला जी के, माँ सीता जी के, इस भूमि की ऊर्जा वहाँ से प्रस्फुटित हो और पूरे भारत में दिखने लगे। इस ऊर्जा का हम तहे हृदय से भारत माँ की गोद का स्वागत करते हैं, मोहन भैया का स्वागत करते हैं, राजन भैया का स्वागत करते हैं। इसी बात के साथ ओम शांति। कुछ छात्रों से भी बात करेंगे। आप लोग संस्कृत महाविद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि ये जो आयोजित कार्यक्रम है तो आभार यात्रा सह संवाद कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया है। छात्रों के साथ संवाद है, एनजीओ के साथ संवाद है और कई सारी संस्थाओं के साथ संवाद है। अगर आप लोगों को मौका मिलेगा मुख्यमंत्री महोदय से संवाद करने का तो क्या मांग करेंगे या क्या बात होने वाली? विशेष मांग तो कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार से ही संस्कृत का गौरव बढ़ा है और अभी हाल ही में अपने लक्ष्मण बाग संस्थान में रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। और विशेषतर आभार ही है, प्रश्न और मांग जो होगी वो उसी तरीके से आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हम लोगों को व्यवस्थित और उपलब्ध करा सकते हैं, यही हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार यात्रा में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। क्या मांगे हैं, क्या महत्व बढ़ा है और क्या उम्मीदें हैं नवीन मुख्यमंत्री जी से प्रदेश को, विकास को लेकर के, इन्हीं सारे विषयों की चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। यहां पर हमारे साथ कुछ स्वयंसेवी संगठनों के लोग जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आप सारे लोगों का। मुख्यमंत्री जी का आज प्रथम आगमन हो रहा है, किस तरीके से इसे देखते हैं? हम लोग आज यहाँ पर मध्य प्रदेश जनयुवा परिषद के बैनर में खड़े हुए हैं और ये आशा करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मामा जी ने जो भी घोषणाएं की थी उसको ये पूरा करेंगे और जो एक क्या फुक्षी संगठन का फंफार था उसमें चार चांद लगा देंगे, जैसे कि जो भी क्या पूर्व में घोषणाएं की गई थी उसको पूरा करने में सहयोग करेंगे। अच्छा, और रीवा के लिए मध्य प्रदेश जनयुवा परिषद जो काम कर रहा है, मतलब हम लोगों के सहयोग से सरकार बनी और हम लोगों ने अच्छा काम किया तो ये भी आगे चल के हम लोगों का सहयोग बढ़ाते रहेंगे। आपके संगठन का नाम और आपका परिचय जानना? हमारा नाम राजीव द्विवेदी है, संगठन का नाम भरोसा सेवा समिति से हम लोग हैं, आज यहाँ पे खड़े हैं। आज मुख्य तौर पर जो तो स्वयंसेवी संगठनों को भी इस आभार यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है, तो इसे किस तरीके से सकारात्मक तौर पर देखते हैं और क्या उम्मीदें हैं स्वयंसेवी संगठनों को आगामी भविष्य में मुख्यमंत्री महोदय से? धन्यवाद आपका। स्वयंसेवी संगठनों का जो है, तो चूँकि नए ये CM बने हैं अभी, तो हम लोग ये बड़े आसान्वित हैं कि चूँकि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद पूरे प्रदेश में काम कर रही है और हम लोग गांव को एक आदर्श गांव बना रहे हैं, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, हम मुख्यमंत्री के जो 9 बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं में गांव-गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो पानी बचाने की बात हो, सारे मुद्दों पर, चाहे वो ऊर्जा बचत की बात हो, इन तमाम तरह के मुद्दों में काम करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की बड़ी महत्ता बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग उनके आभार के लिए यहाँ हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि ताकि वो स्वयंसेवी संगठनों को मजबूत करें, हम लोगों को संबल प्रदान करें ताकि हम लोग समाज को, देश को एक अच्छे स्थिति में ले जा करके खड़ा कर सकें। आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं और आपका परिचय जानना? हम लोग तो मध्य प्रदेश जनअभियान परिषद से जुड़े हुए हैं और नवांकुर संस्था हमारी है भरोसा सेवा समिति, जो कई मुद्दों पर काम कर रही है। आइए कुछ लोगों से हम और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में जो पिछले चुनाव हुए हैं तो वहाँ महिलाओं को लेकर के विशेष तौर पर ध्यान दिया गया, लाडली बहना योजना की बात की गई और कहीं ना कहीं जीत का एक बड़ा श्रेय लाडली बहना योजना को जाता है। इस सरकार से क्या उम्मीदें हैं महिलाओं को, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? हम यही चाहते हैं सरकार से कि ये जो लाडली बहना चली है तो ठीक है, लेकिन महिलाओं को कम से कम उनके गांव एरिया में कुछ ऐसे उद्योग चलाए जाएँ, स्थापित किया जाए जिससे महिलाएँ स्वयं सशक्त हो सकें। और ये 1,000 रुपये महीने तो ठीक है, इससे भी बहुत महिलाएं कुछ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग चालू कर रही हैं और कर मतलब इस पर कुछ उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो जब तक हम जड़ में नहीं पहुंचेंगे तो ये समस्या ख़त्म नहीं होगी।
और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब निवास स्थान जहाँ महिलाओं का रहता है वहाँ पर कुछ न कुछ उद्योगों को स्थापित किया जाए, जिससे कि स्थानीय महिलाओं को भी रोज़गार मिल सके और बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो सके। आप लोग जन अभियान परिषद से हैं, परामर्शदाता हैं, तो परामर्शदाताओं को लेकर के क्या उम्मीदें हैं भविष्य को लेकर के? और दूसरी चीज़ एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम जो संचालित किया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, उसके आगामी भविष्य में किस तरीके के परिणाम, सकारात्मक परिणाम आप लोग देखते हैं? बेशक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे देखने को। और रही बात हम परामर्शदाताओं की, तो यही उम्मीद करेंगे कि हम लोगों के भविष्य के लिए थोड़ा सा देखा जाए। और हमको जो अभी नौकरी मिली है ये हमको NGO के थ्रू मिली है, तो हम ये आशा करेंगे मुख्यमंत्री साहब से कि हम लोगों को जो है जन अभियान के थ्रू कुछ भविष्य दिया जाए। और ऐसे ही आशा करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भविष्य में ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे। नवीन मुख्यमंत्री चुने गए हैं, क्या उम्मीदें हैं प्रदेश के भविष्य को लेकर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए मुख्यमंत्री चुनने के बाद हमको बहुत आशा है कि उन्होंने जो अभी पदभार ग्रहण किया है तो उन्होंने जन अभियान परिषद को बहुत अच्छे से उन्होंने कार्य को देखेंगे और उनका बहुत बहुत आभार रहेगा। और हम लोग जन अभियान परिषद के माध्यम से स्टूडेंट भी हों और कार्य को अच्छे से स्वाभाविक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे नवीन मुख्यमंत्री महोदय से? रीवा आ रहे हैं, आभार यात्रा में शामिल हो रहे हैं, संवाद कार्यक्रम भी है। हम साथ कार्यक्रम जैसे हो रहे हैं रीवा मुख्यमंत्री के तरफ से, तो हम चाहते हैं कि रीवा मुख्यमंत्री जो माननीय मोहन यादव जी यहाँ आए हैं, पहली बार रीवा आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ रीवा के लिए नई विकास के लिए नई श्रेणा के लिए युवा स्रोत दें, तो रीवा के युवाओं के लिए भविष्य में अच्छी मतलब उनके भविष्य की उज्ज्वल कामना के लिए कुछ प्रेरणा दें। जिन्होंने प्रथम बार मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के चर्चा की और क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और किस तरीके से रीवा का महत्व राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से भी बड़ा है, इस चीज़ को लेकर के हमने बातचीत की। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। कैमरामैन सुभाष के साथ मैं अनुपम अनूप, नमस्कार, धन्यवाद।